अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना। अस्सलाम, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर स्पाइसी कुकिंग। आज आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर कर दूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन है KFC। ट्राई, ये बहुत मजे का बनता है, आप लोग उसको जरूर ट्राई करिएगा, जरूर बनाइएगा। ये हमने लगता है अंदर का पेस्ट ले लिया है। फिर 1.5 टीस्पून है ये ब्लैक पेपर, ये शामिल कर लेंगे। ब्लैक पेपर शामिल कर लिया 2 टीस्पून। ये दही है, ये शामिल कर लेंगे। ये चिल्ली सॉस है, ये शामिल कर लेंगे। भर के एक चम्मच हमने शामिल कर लिया। 1 स्पून शामिल कर लिया, सिक्का 1 स्पून शामिल कर लेंगे हम। ये सोया सॉस है, ये शामिल कर लेंगे 1 स्पून भर के हम। ये नमक शामिल कर लेंगे 1 स्पून के करीब। आप ये इसको अच्छे से मसाला लगा के हम इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि मसाला अच्छे से मैरिनेट हो जाए इसके अंदर। अब मैं अच्छे से इसका मसाला लगा के हम 1.5 घंटे के लिए इसको रख देंगे, ताकि मसाला हमारा अच्छे से मैरिनेट हो जाए इसके अंदर, जब सो जाए हमारा। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो इसको 2 से 3 घंटे रखिएगा, तो ये होता है कि अच्छे से मसाला इसमें जब सो जाता है। मसाला जब होगा तो उसमें फ्लेवर अच्छा सा आएगा और हमारी चिकन अच्छी बनेगी। तो अभी मैं इसको रख दूँगी 1.5 घंटे के लिए। ये देखें, ये मैंने मैदा ले लिया, ये हमने प्लस अदरक का पाउडर ले लिया 1 स्पून के करीब ले लिया, लहसुन पाउडर ले लिया 1 स्पून ले लिया, ये कुटी हुई मिर्ची ले लिया 1 स्पून के करीब ले लिया हमने। ये ओरिगैनो ले लिया 1 स्पून के करीब ले लिया हमने। अब इसमें थोड़ा नमक शामिल कर देंगे। ये मैंने दूध ले लिया, कच्चा दूध है, ठंडा है। ये देखिए मसाला लगे हुए, इसको 3 से 4 घंटे हो गए, अच्छे से मसाला इसमें जब्त हो गया हमारा। अब मैं इसमें नमक शामिल कर लेती हूँ। ये नमक शामिल कर लिया, आधा टीस्पून के करीब नमक शामिल कर लिया। ये चिकन में अच्छे से मसाला लग गया, ये देखिए अच्छे से मैरिनेट हो गई है हमारी चिकन। देखिए अब मैदे में इसको ऐसे करनी हूँ। दूध इसमें से हम कर लेंगे इसको अच्छे से। देखिए मसाला कितने अच्छे से माशाल्लाह लग गया। अब इसको ऐसे करके ऐसे मुट्ठी से इसको दबा लेंगे, ताकि इसके जो कम से अच्छे से बन जाए। अब इसको झाड़ लेंगे। अब इसको ऑयल में शामिल कर देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है, जिसको अल्लाह रहमान रहीम। फिर आप ऐसे करेंगे, इसको मैदे में ऐसे करेंगे, फिर दूध में शामिल कर लेंगे इसको। अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, आप देखें। इसको हम स्लो आंच पे एकदम फ्राई कर रहे हैं, ताकि अंदर से जो ये एकदम गल जाए, वरना अगर इसकी हम आंच फुल रखेंगे तो अंदर से कच्ची रहेगी। तो हम इसको स्लो में फ्राई कर रहे हैं। एक तरफ से इसका कलर माशाल्लाह देखें कितना अच्छा सा इसका कलर आ रहा है। अब ये एक साइड फ्राई हो जाए तो फिर दूसरी साइड की टर्न करेंगे, ताकि अच्छे से फ्राई करेंगे। आउट कर लिया, आप लोग इसकी फाइनल लुक देखें कितने अच्छे से फ्राई हुई है, और इसके देखें गम्स कितने प्यारे से बने।
अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दो, कमेंट्स बताओ आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।